हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज के हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि हाल ही में हरियाणा के जो हमारे सीएम हैं उन्होंने कौन सी योजना शुरू की है? चिराग योजना। क्या नाम है योजना का? चिराग योजना। जो चिराग योजना है इसका संबंध जो है वो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों से है, यानी कि जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे जिन्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन चाहिए होता है परंतु प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो सरकार है वो क्या कर रही है, ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की है जिसका नाम क्या है, चिराग योजना। ठीक है, इसके तहत जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करेंगे उन्हें फ़ायदा होगा और ये जो एजुकेशन है सेकंड क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के बच्चे जो हैं इसमें वो निशुल्क पढ़ सकेंगे। ये जो योजना है इस योजना का फ़ायदा उन परिवार के बच्चों को होगा जिनकी आय जो है वो 1,80,000 से कम है। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं मतलब 1,80,000 से कम आय वाले विद्यार्थी इस योजना का क्या कर सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये योजना है वो किस योजना की जैसी है, 134A जो था यानी कि जिसके तहत बच्चों का फ्री में स्कूल में एडमिशन होता था, अब सरकार ने उसे क्या नाम दे दिया है, चिराग योजना। यानी कि उसकी जगह पर अब कौन सी योजना लागू कर दी है, हरियाणा सरकार ने चिराग योजना जो है वो लागू कर दी है। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर चिराग योजना है 134A की जगह किसने ले ली है, चिराग योजना ने ले ली है और इसी के तहत जो बच्चे हैं वो स्कूल में निशुल्क पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक में बिजली प्लांट लगाने का खरीदने का क्या किया था, इरादा किया था मतलब त्याग दिया है। सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जो हरियाणा सरकार है वो क्या कर रही है, महाराष्ट्र के नासिक से क्या करेगी, मतलब जो पावर प्लांट होता है बिजली होती है उसको खरीदेगी, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है उसको त्याग दिया है, यानी कि सरकार वहां से बिजली नहीं खरीदेगी, उसका प्लांट नहीं खरीदेगी। अब हरियाणा के यमुनानगर में बिजली प्लांट, यानी कि अब हमारी जो हरियाणा सरकार है वो खुद हमारे यहाँ पर क्या लगाएगी, एक बिजली का प्लांट लगाएगी। इससे पहले जो यमुनानगर है वहाँ पर 350-350 मेगावाट के दो प्लांट लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इस जो ये जो प्लांट लगेगा इसका फ़ायदा क्या होगा, इस प्लांट के लगने से जो 8,000 लोग हैं उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और यहाँ पर हमारे हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी की क्या नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्या लगाए गए हैं, जो भी बिजली प्लांट है वो लगाए गए हैं, जैसे झाड़ली में भी लगा हुआ है इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पानीपत में भी है, सोनीपत में भी है, तो अलग अलग तरीके से क्या है बिजली प्लांट है, जो कुछ बिजली प्लांट ऐसे हैं जो वोटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आपके कोयला आधारित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होती है, हमारे हरियाणा में बिजली प्रोड्यूस होती है। हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो कौन है, रणजीत सिंह चौटाला है। क्या नाम है इनका, रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपके यहाँ पर मुर्रा भैंस की क्लोनिंग करने वाला हरियाणा का जो प्रमुख स्थान है NDRI। NDRI के बारे में आप सभी जानते होंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो आपका प्रमुख संस्थान है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आज कितने साल हो गए, मतलब 1 जुलाई को इसे पूरे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये कब बना था, 1 जुलाई को बना था, 1 जुलाई को 1923 में बना था। ठीक है, 1 जुलाई को NDRI अपना क्या मनाएगा, शताब्दी वर्ष बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारा कि यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, एक स्तंभ विकसित किया जाएगा। क्या बना रहे हैं, हमारी हरियाणा सरकार यहाँ पर क्या करेगी, एक स्तंभ विकसित करेगी और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, जो आपके कृषि मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इस स्तंभ का जो अनावरण है वो करेंगे। 1 जुलाई 1923 को बंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। 1955 में से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, हमारे करनाल में मतलब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, पहले हमारे हरियाणा में ये नहीं था, 1955 में इसे ट्रांसफ़र किया गया है। 1989 में से किसका दर्जा मिला, डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मिला है, दर्जा मिला है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, NIS यानी कि राष्ट्रीय खेल संस्थान, जैसे आपके यहाँ पर जो भी खेल संस्थान है पटियाला में है और इसी की तर्ज पर मतलब जो हरियाणा के खिलाड़ी है वो कहाँ जाते हैं, पटियाला में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इसकी तर्ज पर हरियाणा में क्या बनेगा, 2 महीने में ये जो खेल अकेडमी है वो स्थापित हो जाएगी। अब खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल कोर्स शुरू करने के लिए कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, पटियाला नहीं जाना पड़ेगा और इसकी जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है, हमारे CM के द्वारा की गई है। और 14 जून को जो यूथ गेम्स आपके हरियाणा के पंचकुला में आयोजित कराए गए थे वहीं पर हमारे CM ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, प्रारंभिक तौर पर पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये जो अकेडमी है इसकी शुरुआत की जाएगी तथा जो छोटे छोटे संस्थान के रूप में गुरुग्राम, हिसार और रोहतक में भी ये खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मतलब याद करने वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है।
ठीक है। इसके बाद अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, 1 जुलाई से क्या कर दिया है, 1 टाइम यूज़ प्लास्टिक जो होती है उस पर बैन लगा दिया है। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, हरियाणा सरकार ने किस शहर में बिन हर गाड़ी बिन बिन मतलब जो डस्टबिन होता है और हर गाड़ी बैग योजना की शुरुआत की है, यानी कि जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उनमें डस्टबिन होगा और क्या होगा, एक बैग होगा, ताकि उसमें क्या डाला जा सके, जो भी प्लास्टिक वगैरह होता है, कचरा होता है, वो डाला जा सके। तो इसकी शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की गई है, ये की गई है चंडीगढ़ शहर से। नगर निगम चंडीगढ़ ने कूड़ा फेंकने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी संबंधी नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या किया, इस योजना की शुरुआत की है। तो ये हरियाणा के कहां से की गई, आपके चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत, हरियाणा के चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा की किस महिला को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन बनाया गया है। हमारे हरियाणा से है और हरियाणा की जो ये महिला है क्या बनी है, भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन बनी है। इनका नाम क्या है, निर्मल तवर है, पानीपत के आसन कला गांव से ये बिलोंग करती है, यहाँ की बेटी है, ठीक है। दूसरी बार वॉलीबॉल टीम की क्या बनाई गई है, ये कैप्टन बनाई गई हैं। इनके नेतृत्व में भारतीय वॉलीबॉल जो टीम है वो कहाँ पर खेलेगी, बैंकॉक थाईलैंड में 24 से 29 जून तक होने वाले तीसरे जो चैलेंज कप होगा वहाँ पर ये जो है खेलेंगी, ठीक है। इनकी जो मतलब लीडरशिप है वहाँ पर, हमारी जो टीम है थाईलैंड के बैंकॉक में, इनकी लीडरशिप में ये गेम खेलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में कब से कब तक नशा मुक्त हरियाणा की शुरुआत की गई है, मतलब हरियाणा सरकार ने क्या घोषणा की है कि यहाँ पर क्या होगा, नशा वगैरह नहीं होगा। तो नशा मुक्त हरियाणा की घोषणा कब से की गई है, तो 26 जून 2022 से हरियाणा में क्या किया गया है, ये नशा मुक्त हरियाणा करने की घोषणा की गई है। सीएम ने हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो द्वारा 26 जून को इंटरनेशनल नशा निषेध दिवस के अवसर पर मधुबन जो करनाल है वहाँ से इस मिशन की शुरुआत की है। तो आपके 26 जून को क्या मनाते हैं, हम नशा निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है, और इसी दिन हरियाणा सरकार ने क्या घोषणा की है, हरियाणा को नशा मुक्त करने की घोषणा की है, ठीक है। अभी कल ही मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी पढ़ाया था, तो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईयर है वो कब मनाया जाएगा, 2022 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो 2022 को क्या घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष घोषित किया गया है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।